गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 13 कबीर क्लास 4 इंग्लिश। आज हम कबीर की कहानी सुनाएंगे कि इसमें क्या देखिए कैसे ये कबीर मतलब मिले थे और किस तरह से ये हुआ, मतलब ये कैसे इनका नाम पड़ा कबीर, है ना। इट वॉज द ईयर 1440। द डे वॉज वेरी हॉट। अ यंग मैन एंड हिज वाइफ वर ट्रेवलिंग टू वाराणसी। एक बार की बात है, मतलब ये कब की है, 1440 की बात है, यानी कि सन 1440 की बात है। उस समय बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो एक इंसान अपनी वाइफ के साथ वाराणसी में घूमने के लिए गए। द मैन वॉज नीरू एंड हिज वाइफ वॉज नीमा। जो मैन था उसका नाम क्या था, नीरू, और उस उनकी वाइफ का क्या नाम था, नीमा। दे वर पुअर वेवर्स। वे गरीब वेवर थे। वेवर यानी बुनकर लोग जो होते हैं गाँव में, छोटे मोटे बिजनेस होता है ये। ऑन द वे दे पास बाय अ पूल ऑफ कूल वाटर। तो रास्ते में वो एक पूल के ऊपर से होके जा रहे थे। अ लार्ज नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स ग्रो अलोन द एज ऑफ द पूल। तो उस पूल में क्या था, उस पानी में बहुत, पूल के नीचे जो पानी बह रहा था ठंडा पानी, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स किसके खिले थे, लोटस के। दीज प्लांट्स हैज लीव्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यानी कि यहाँ पे बहुत सुंदर फ्लावर खिले हुए थे और पानी जो था बहुत ठंडा था, वहाँ का अच्छा पानी था। नीमा वॉज फीलिंग हॉट एंड थर्स्टी। नीमा जो थी उनकी वाइफ, उनको प्यास लगी और गर्मी बहुत तेज़ थी और गर्मी भी लग रही थी उनको। नीरू स्टॉप्ड हिज ब्लॉक कार्ट एंड टूक हिज वाइफ टू द पूल। और वो वहाँ पे ब्लॉक कार्ट से जैसे सफ़र कर रहे थे तो वहाँ पे रोक दिए और अपनी वाइफ को लेके गए उस पूल के पास। वाइल नीमा वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम द पूल, जैसे वो पानी पी रही थी वहाँ से पीने की, तो ऐसे इसी हियर अ वीक क्राई, एक आवाज़ आती है, कमज़ोर सी धीमी सी आवाज़ होती है। लिसन सी सैड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को कहती है, सुनो, इट इज़ द क्राई ऑफ सम लिटल बॉय। ये जो आवाज़ एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आ रही है। द क्राई केम अगेन, और जो आवाज़ होती है वो फिर से आती है, रोने की आवाज़। नीरू लुक अमंग द लोटसेस। अब नीरू जो थी पूरे लोटस जो पेड़ लगे हुए थे उसमें देखने लगा। ही फाउंड अ बेबी लेइंग ऑन अ बिग लोटस लीफ। उसने देखा एक बेबी था बड़े से लोटस के फ्लावर के फूल पे, यानी कि लोटस यानी कमल, कमल के फूल पे लेटा हुआ था। नीमा लुक ही क्राई देयर इज अ बेबी देयर। और नीमा भी देखी तो वो चिल्लाने लगी कि यहाँ पे बच्चा है, एक बच्चा यानी बॉय है, लड़का। नीमा टूक द बेबी इन हर आर्म्स एंड किस इट पुअर लिटल लेट चाइल्ड। अब उसने उसको अपने गोदी में उठा लिया नीमा ने, और उसको किस किया, प्यार किया, और अपने आर्म्स में मतलब इस तरह से रख लेती है। सैड सी वी कैन नॉट लीव इट हियर टू डाई, और कहती है कि मैं इसको यहाँ पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। सी क्लेस द बेबी टू हर हार्ट एंड वॉक टूवर्ड द कट। अब वो उस बच्चे को अपने यहाँ से सीने से लगा लेती है और चिपका के अच्छे से बढ़िया से पकड़ के ले जाती है कार्ड की तरफ, यानी कि जो उसका बुलक कार्ड था। यू आर राइट सैड नीरू, वी कैन नॉट लीव द बेबी हियर टू डाई। अब उसका जो हस्बैंड नीरू होता है वो भी कहता है कि तुम सही बोल रही हो, मैं इस छोटे से बच्चे को यहाँ पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वी शैल कीप हिम, हम इसको रखेंगे। ही विल बी आवर सन, और ये हमारा बच्चा कहलाएगा। दे टुक द बेबी होम एंड नेम इट कबीर, वे उसको घर ले गए, उसका नाम क्या रखा, कबीर रखा। दोस्त कबीर ग्रेव अप इन द हाउस ऑफ नीरू एंड नीमा। अब उसके घर में रहते रहते अब वो बच्चा बड़ा हो रहा था। कबीर लाइक अदर मुस्लिम बॉयज, जैसे दूसरे बच्चे बड़े होते हैं, तो वो जैसे उसके घर में वो मुस्लिम था तो मुस्लिम जैसी परवरिश हो रही थी। अब मुस्लिम जैसे दूसरे बच्चे बड़े हो रहे थे वैसे ये बच्चा भी बड़ा हो रहा था। ही स्टडी द कुरान, और इसके साथ वो उसको भी वही शिक्षा मिली जो एक मुस्लिम बच्चे को मिलते हैं, यानी कि कुरान पढ़ते हैं वो लोग, तो इस बच्चे को भी कुरान मतलब ये भी पढ़ता था। बट ही लाइक्ड हिंदू ऑल्सो, लेकिन इसको हिंदू भी पसंद था, है ना, कुरान के साथ साथ ये हिंदू भी पसंद करता था, हिंदू की जो भी चीज़ें हुआ करती थी। ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट देम एंड देयर रिलीजन, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं के बारे में जानना चाहता था, उनके धर्म हर चीज़ के बारे में मतलब ये भी जानना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू गो एंड लुक फॉर अ लर्न टीचर, इसीलिए फिर उसने सोचा कि मुझे इसके बारे में सीखना है, जानना है, तो उसने एक टीचर ढूंढने के लिए सोचा।
और गया टीचर ढूंढने के लिए। इन दोज डेज देयर लिव्ड अ वेरी फेमस टीचर इन वाराणसी। उन समय एक वाराणसी में बहुत ही फेमस टीचर हुआ करते थे। ही वॉज स्वामी रामानंद। उनका नाम क्या था? रामानंद, स्वामी रामानंद। कबीर डिसाइडेड टू गो टू हिम एंड बिकम हिज पीपल। और कबीर जो था उसने डिसाइड किया कि मैं उनके पास जाऊंगा और उनका विद्यार्थी बनूंगा। बट व्हेन कबीर रीच द स्वामी आश्रम, जैसे वो वहाँ, लेकिन वो आश्रम के पास जब पहुँचा तो पीपल देयर डिड नॉट लेट हिम सी द स्वामी। तो कोई भी बच्चा उनको वहाँ पे स्वामी से मिलने नहीं दिया। यू आर नॉट अ हिंदू दे सैड, यू कैन नॉट सी हिम। तुम हिंदू नहीं हो इसलिए तुम उनको नहीं देख सकते, मतलब इस तरह से उनको मना कर रहे थे कि नहीं जा सकते अंदर। बट कबीर डिड नॉट गो अवे, लेकिन जो वहाँ पे नहीं मिल पाया उसके बाद वो वहाँ से गया नहीं कहीं, है ना। यानी कि ही स्टे नियर द आश्रम एंड स्पेंड द नाइट अंडर अ ट्री। वहाँ पे जो आश्रम था उसके पास एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो टाइम रात भर रहा। और अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही सो द स्वामी गोइंग टू द रिवर फॉर अ बाथ। फिर जैसे ही सुबह हुआ तो उसने देखा कि जो स्वामी हैं वो नदी में नहाने के लिए जा रहे हैं। कबीर रन अप टू हिम एंड टच हीज फीट। और कबीर दौड़ते हुए उनके पीछे उनका गया और उनका पैर पकड़ लेता है। ओ महाराजा सैड कबीर वेरी पोलाइटली, प्लीज़ लेट मी बी योर पीपल। अब उसको महाराजा करके बोलता है इनको, रामानंद को, और कहता है कि हमको बहुत अच्छे से प्यार से बोलता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द स्वामी एट वंस एग्रीड टू हैव कबीर एज हिज पीपल। द अदर पीपल्स डिड नॉट लाइक इट। कबीर पहली बार ही बोलते ही ये स्वामी रामानंद जो थे वो तुरंत मान गए और उनको अपना शिष्य बना लिए, लेकिन दूसरे बच्चे जो थे ये पसंद नहीं करते थे। दिस बॉय इज नॉट अ हिंदू दे सैड। वो तो वो फिर बताते कि ये बच्चा हिंदू नहीं है। मतलब वो बच्चे बोले कि मतलब जो नहीं पसंद करते तो उन्होंने कहा ये हिंदू नहीं है। डोंट टॉक लाइक दैट सैड द स्वामी। तो स्वामी कहते हैं इस तरह से बात नहीं करते हैं। गॉड लव्स ऑल मैन, जो भगवान होते हैं वो सभी से प्यार करते हैं। ही डज नॉट लुक ऑन अस एज मुस्लिम और हिंदूज। और वो हमको मुस्लिम या हिंदू की नज़र से नहीं देखते हैं। कौन नहीं देखते हैं? भगवान। भगवान सबको एक जैसे समझते हैं। वी आर ऑल इज चिल्ड्रन इक्वली, और हम सब उनके एक बराबर बच्चे कहलाते हैं, हम सभी एक जैसे हैं। दोस्त कभी स्टार्टेड लिविंग इन स्वामी रामानंद आश्रम, ही लर्न बोथ संस्कृत पर्सियन। और जब वो रामानंद स्वामी के आश्रम में रहा तो बहुत सारी चीज़ें उसने सीखा, मतलब जब रहने लगा तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखा, उसमें से संस्कृत और पर्सियन दोनों भाषाएँ सीखी। ही रोट मैनी सॉन्ग्स अबाउट गॉड, उसने बहुत सारे भगवान के बारे में गाने लिखे। इन हीज सॉन्ग्स ही सैड दैट गॉड इज एवरीवेयर, और उसने अपने सॉन्ग में ये लिखा कि जो भगवान है वो सभी जगह रहते हैं। वी कैन नॉट फाइंड हिम इन टेम्पल्स और मस्जिद, और हम उनको किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं ढूंढ पाते, नहीं पाएंगे। वी कैन फाइंड हिम इन आवर वन हार्ट्स वी लव हिम ट्रूली। और उन्हें हम कहाँ पाएंगे? मंदिर या मस्जिद में नहीं पाएंगे तो कहाँ पाएंगे? हम अपने आप में, अपने हार्ट में, अपने दिल में पाएंगे, अगर हम सच्चे मतलब प्यार करते हैं उनसे तो, यानी कि रिस्पेक्ट जो भी हमारे मन से होना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिकेम कबीर फॉलोअर्स, दे लव टू सिंग हिज सॉन्ग। बहुत सारे मतलब हजारों लोग उनके फॉलोअर्स बन गए, उनके शिष्य बन गए, कबीर के प्रशंसक बन गए और सभी उनके गाने को पसंद करने लगे और गाना भी गाते थे उनके। देयर वर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम अमंग हिज फॉलोअर्स, और उनके जो हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोग हुआ करते थे जो उनको पसंद करते थे। लेकिन बट सम हिंदूज एंड मुस्लिम वर एंग्री विद कबीर, लेकिन कुछ हिंदू मुस्लिम ऐसे भी हुआ करते थे जो उनको पसंद नहीं करते। दे डिड नॉट लाइक हिम बिकॉज ही सैड आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम। और क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि वो कहते थे कबीर कि मैं किनका बच्चा हूँ? अल्लाह का। और मैं किनका बच्चा हूँ? राम का, है ना, राम और अल्लाह दोनों के बताते थे। हाउ कैन अल्लाह एंड राम बी वन, और वो कहते कि कैसे राम और अल्लाह एक हो सकते हैं? दे वुड से वन डे दे वर सो एंग्री, इस तरह से मतलब वो बोल के कहते कैसे वो कहता है मैं राम का हूँ, मैं अल्लाह का हूँ, कैसे एक ही बच्चा मतलब उसका हो सकता है। इस ये कहते कहते उसको एक दिन जो लोग बोलते थे अगेंस्ट थे कबीर के, तो वो सभी बहुत तेज गुस्से में थे। और एक दिन उन्होंने वन डे दे वर सो एंग्री दैट दे कट कबीर एंड टूक हिम टू द एम्पेरियर, उसको पकड़ के कहाँ ले गए? एम्पेरियर यानी कि राजा के पास ले गए। दे टोल्ड द एम्पेरियर फॉल्स स्टोरीज अबाउट कबीर, और उन्होंने उस राजा के सामने झूठी कहानी कबीर की बताई। द एम्पेरियर ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू किल कबीर,
तो एम्पेरियन ने उसको कबीर को मारने की सजा दे दी, ऑर्डर किया अपने सोल्जर्स को इसको मार दिया जाए। द सोल्जर्स चेंज कबीर्स एंड हैंड्स एंड फीट टुगेदर। अब सोल्जर्स ने उसके पैर हाथ बांध दिए कबीर के, और दे थ्रो हिम टू अ रिवर, और कहाँ भेज फेंक दिए, नदी में। बट कबीर डिड नॉट ड्रोन, लेकिन जो कबीर था वो बच जाता, वो नहीं डूबता है। ही वॉक टू द बैंक, चल के बैंक यानी कि नदी किनारे आ जाता है। नाउ द सोल्जर्स लुक लॉक्ड हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट। अब क्या हुआ, सोल्जर्स जो थे उसको ताले में, एक झोपड़ी होती उसमें ताला लगा देते, अंदर बंद कर देते ताला मार के, है ना, और आग लगा देते। इसके बाद इवन नाउ नो हार्म केम टू कबीर, लेकिन यहाँ भी कोई नुकसान कबीर को नहीं हुआ। द सोल्जर्स ट्राई टू किल हिम अ थर्ड टाइम, अब सोल्जर्स ने तीसरी बार भी ट्राई किया। दे पुट हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, उन्होंने मैड एलिफेंट के सामने कबीर को मारने के लिए, एक पागल हाथी थी उसके सामने रख दिए। बट हाउ स्ट्रेंज, इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रन अवे, लेकिन ये कैसी अजीब बात थी कि वो पागल हाथी उस कबीर को मारने की वजह वहाँ से दूर भाग रही थी, मतलब हाथी भी वहाँ से उनसे डर गई। When the emperor heard this, he died three times. We have tried to kill Kabir. Each time God has saved him. Let him go free. जब एम्पेरियर को ये पता चला कि तीन बार हमने उनको मारने की कोशिश की और तीनों बार बच गए, तो मतलब भगवान उनको उनकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा बोलते हुए उन्होंने कहा उनको छोड़ दिया जाए, मतलब कि अब उनको कोई सजा ना दिया जाए, ऐसा राजा ने कबीर के लिए ऑर्डर किया। कबीर लेप्ट 478 ईयर्स। वन डे ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू डाई, और कबीर जो थे 78 ईयर्स जिए, और उसके बाद उनको फील हुआ कि अब वो मर जाएंगे, मरने जा रहे हैं। तो बट ही डिड नॉट विश टू डाई इन वाराणसी, लेकिन उनकी इच्छा ये नहीं थी कि वो वाराणसी में मरे। ही वॉन्टेड टू टीच एन इम्पोर्टेंट लेसन, वो एक मतलब पाठ सिखा के, मतलब कुछ शिक्षा दे के ही देना चाहते थे। इसलिए डेथ इन होली सिटी कैन नॉट हेल्प अस टू रीच हेवंस, वो ये बताना चाहते थे कि कोई भी अगर कोई होली सिटी में मरता है तो स्वर्ग को नहीं पाता है ना। ही वॉन्टेड टू टेल द पीपल, वो चाहते थे लोगों को बताना कि ओनली गुड एक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड अ प्लेस इन हैवन, एक केवल हमारी अच्छी चीज़ें, अच्छा कर जो हम काम करेंगे कर्म, वही हमको स्वर्ग की जगह दिला सकता है ना। कोई अच्छी जगह पे जाने बस से नहीं होता है, अगर हम उसको मन से कोई काम करते हैं अच्छा, तभी हम अच्छी जगह या स्वर्ग पा सकते हैं, ऐसा वो सिखाना चाहते थे लोगों को, इसलिए वो वाराणसी में नहीं मरना चाह रहे थे। तो सो कबीर लेफ्ट फॉर अनादर टाउन, तो उस जगह को छोड़ के दूसरे टाउन चले जाते, कॉल मगर, मगर में जाते हैं, मगर यानी कि वो कितने दूर था, इट वॉज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वाराणसी, थोड़ी दूर पे, वाराणसी के कुछ ही दूरी पे था ये। मैनी हिंदूज एंड मुस्लिम फॉलोड हिम, दे ऑल लव कबीर, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम जो थे भाई वो उनके पीछे पीछे गए, और जो मतलब ये सभी उनसे बहुत प्यार करते थे कबीर को, मतलब जो मानते थे वही लोग थे। बट एज सून एज कबीर डाय दे बिगैन टू क्वारल, लेकिन जैसे ही कबीर मर गए वैसे ही उनमें आपस में झगड़ा स्टार्ट हो गया। ही इज़ आवर सन, क्राइड द मुस्लिम, वी सेल बोरी हिम, अब जो उनमें से मतलब कि मुस्लिम लोग थे वो चिल्लाते थे, चिल्ला के बोल रहे थे कि ये हमारा संत है, हम इसको दफनाएंगे, इनको दफनाएंगे। ही इज़ आवर महात्मा, क्राइड द हिंदूज, वी सेल बर्न हिम, और ये हमारा महात्मा है, हम इनको जलाएंगे, मतलब हम इनको अग्नि के थ्रू इनका अंतिम संस्कार करेंगे। एंड दे बिकम रेडी टू फाइट, जस्ट देन कबीर्स वॉइस वाज हियर्ड इन द स्काई, अब जैसे वो आपस में बहुत तेज लड़ाई करने वाले थे, तो उसी समय कबीर की आवाज़ आती आसमान से, इट है इट सेड डोंट फाइट, टेक द सीट अवे फ्रॉम माई बॉडी, कहते कि झगड़ा मत करो और जो चादर है उसको उठा के देखो। कबीर्स बॉडी वॉज नॉट देयर, कबीर की जो बॉडी थी जब उन्होंने चादर उठाए वो लोगों ने दौड़ के, तो वहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था, उनकी बॉडी नहीं थी, क्या था, कुछ और था। इन इट्स प्लेस देयर वॉज ओनली अ हीप ऑफ फ्लावर, सिर्फ फ्लावर के ढेर थे, यानी कि उनकी बॉडी की जगह फ्लावर था। द मुस्लिम टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स, द हिंदू टुक द अदर हाफ, अब दोनों मुस्लिम और हिंदू ने क्या किया, फ्लावर को आधे आधे दोनों ने आपस में बांट लिया। एंड दे रिमेंबर कबीर्स वर्ड्स, और वो कबीर के जो वर्ड थे उसको याद करिए, आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम, ठीक है। फिर ट्रूली ऑफ अस दे आर द चिल्ड्रन ऑफ अल्लाह एंड राम,
हम सभी सच में भगवान राम और अल्लाह के दोनों के ही बच्चे हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम सभी भाई बहन हैं और बच्चे हैं ऑफ द सेम गॉड, एक ही भगवान के बच्चे, भाई बहन और जो भी हम सब हैं, है ना। तो ये थी आपकी कबीर स्टोरी। नेक्स्ट टाइम आपको इसके क्वेश्चन से सुनाएंगे, है ना, देंगे, सुनाएंगे नहीं देंगे, स्टोरी तो सुना चुके हैं। थैंक यू।